सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक रेंडर को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों शाओमी इंडिया के सबसे पसंदीदा ब्रांड में से एक है, या फिर सभी लोग, ज़्यादातर लोग शाओमी के फ़ोन या शाओमी एमआई के फ़ोन्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों रेडमी सीरीज़ या फिर शाओमी के कोई फ़ोन्स इतने ज़्यादा बिक रहे हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोई भी फ़ोन जो कि आप इंडिया में आज के ज़माने में या फिर आज की एज में 2017 में कोई भी फ़ोन देख रहे हैं, तो उसमें और शाओमी के फ़ोन्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। तो शाओमी जो अपना फ़ोन्स का हार्डवेयर जो देता है वो सारे फ़ोन से बिल्कुल अलग देता है। मीन्स उनका जो एक सेगमेंट होता है, जो भी वो अपने में हार्डवेयर यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स में, उसका सेगमेंट ही अलग होता है कि वो एकदम बजट रेंज के और काफ़ी एक तरीके से काफ़ी चुने हुए जो प्रोसेसर होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि मतलब कि एक तरीके से हायर वेरिएंट होते हैं मार्केट से। जबकि अगर सपोज करिए, मैं इस पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को, कि अगर कोई 5000 का फ़ोन है और 5000 के फ़ोन में अगर वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ करेगा तो वो 215 यूज़ करेगा या फिर इसी सीरीज़ में कुछ यूज़ करेगा। लेकिन Xiaomi का अगर आप फ़ोन देखेंगे तो 6000 में, जैसा कि आप लोग के एग्जांपल के तौर पे Redmi 4A जो कि स्नैपड्रैगन 425 के साथ आता है। तो ये चीज़ होती है, Xiaomi का जो हार्डवेयर होता है वो नॉर्मल जो मार्केट में फ़ोन्स आ रहे हैं उससे एक तरीके से बेटर देता है। मीन्स उनका जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो काफ़ी जल्दी फास्ट वर्क करता है, उनका जो कैमरे का क्वालिटी होता है वो इतना खास भी नहीं होता, तो इतना मतलब कि बेकार भी नहीं होता कि आप उससे कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह ना लें। और MI A1 वगैरह के बारे में बात करूँ तो उन सब की थोड़ी सी कैमरे क्वालिटी को थोड़ी सी इम्प्रूव किया गया है रियर कैमरे को, ताकि यूज़र्स जो हैं उनके फ़ोन को पसंद करें। और आजकल जो ड्यूअल कैमरे का जो अभी ट्रेंड चला है, ड्यूअल कैमरा हर चीज़ में आ रहा है, आप लोग को हर एक फ़ोन में मिल जा रहा है, जो कि तो वो भी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। MI वाले ट्रेंड के साथ चलते चलते वो अपने फ़ोन में एक जो एक मीन्स जो बजट रेंज में जो कि वो अपना फ़ोन में दे रहे हैं वो और कोई कंपनीज नहीं दे पा रही हैं। तो सबसे पहली बात होती है, MI को जो वोट जाता है वो जाता है हार्डवेयर के लिए। और भी कंपनीज हैं मार्केट में, लेकिन जो उनका अगर वो कैमरा दे रही है 13 मेगापिक्सल का बहुत अच्छा है या फिर उससे भी ऊपर दे रही है, तो फिर उनका हार्डवेयर मीन्स उनका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है, या फिर कैमरे की क्वालिटी नीचे चली जा रही है। तो अगर वो बैटरी दे रहे हैं तो उनके स्क्रीन का रिजोल्यूशन थोड़ा नीचे चला जा रहा है। लेकिन Xiaomi का जो एक तरीके से जो इनका है 5 इंचेस का डिस्प्ले दे रहे हैं ये, और 3000 mAh की बैटरी दे रहे हैं, उसके साथ साथ 13-5 कैमरा दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके जो एक तरीके से उनका जो प्रोसेसर है उसका भी थोड़ा सा रेंज अच्छा है कॉम्पिटिटिव से। तो पहला वोट जो जाता है वो हार्डवेयर के लिए जाता है Xiaomi को। फिर इसका दूसरी बात आते हैं कि आप लोगों को अपडेट्स कितने मिलते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों को अपडेट्स कितने कब कब मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, सिक्योरिटी पैच लेवल कब मिल रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि सिक्योरिटी पैच लेवल वगैरह क्या है तो आप लोग गूगल पर जाके पढ़ सकते हैं। तो अभी बेसिकली गूगल ने अपने जो कि उनका जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने एक चीज़ निकाली है कि आपको पैच लेवल भी दिया जाएगा, जिससे कि आपके फ़ोन में एक तरीके से जैसे कि हम एंटीवायरस को अपडेट करते हैं उसी तरीके से ये एंड्रॉयड का आपका सिक्योरिटी पैच देते हैं, ताकि आपके फ़ोन में ज़्यादातर एंटीवायरस या फिर उसकी आपको एक्सटर्नल ज़रूरत ना पड़े, वो आपको इंटरनली बिल्ड मिलेगा जो कि आपके फ़ोन को एक तरीके से एंटीवायरस या वायरस प्रूफ, मीन्स एंटीवायरस तो नहीं, वायरस प्रूफ ज़रूर बनाएगा। तो आप लोगों को जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिक्योरिटी पैच और ये अपडेट्स जो है ये चीज़ ज़रूरी भी है। साथ में जो भी नए जैसे कि आपका एंड्रॉयड वर्जन आ रहा है 6.0, 7.0, 7.1, 8.0, उसके हिसाब से भी वो अपने मतलब कि काफ़ी उसमें काफ़ी आगे हैं। अभी जैसा कि मेरे पास 7.1.2 का अपडेट चल रहा है मेरे रेडमी 4 पे, और भी उसी तरीके से वो और भी फ़ोन्स वगैरह पे हैं, तो उस पर कुछ कुछ पे अभी उनकी बात चल रही है 8.0 पे, तो वो ऑडियो पे भी शिफ्ट होने वाले हैं जल्दी, बहुत जल्द हो भी जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरी बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट की। तो Xiaomi के साथ मेरा जो कस्टमर सपोर्ट रहा है वो उतना बुरा भी नहीं रहा है और उतना अच्छा भी नहीं रहा है। मीन्स मीडियम में उन्होंने मुझे सपोर्ट में सब कुछ, जितना भी चीज़ मेरा एक बार फ़ोन पूरे ख़राब हुआ था तो मैं अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पर लेके पहुंचा, वहां पर उन्हें बताया, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो स्क्रीन की रिप्लेसमेंट थी वो स्क्रीन की रिप्लेसमेंट करने फॉरवर्ड किया आगे। तो उसके बाद वहाँ से रिस्पॉन्स आया ठीक है कि मुझे फ्री में रिप्लेसमेंट मिल जाएगी डिस्प्ले की,
इसके बाद थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन मिल गया। तो मैं एक तरीके से कहना चाहूँगा कि बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, मीन्स मिड रेंज में है वो। काफ़ी अपने कस्टमर्स को लेके काफ़ी वो भी नहीं है कि हाँ एकदम फटाफट कर दे, ये भी नहीं कि काफ़ी लेट करें, मीडियम में है, आपको सर्विस ज़रूर अच्छी मिल जाएगी मेरे हिसाब से। चौथी बात आती है आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स मीन्स जब आपने अपना आफ्टर सेलिंग कर ली, उसके बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस आता है, मीन्स आपको अपडेट्स मिल रहे हैं, आपको सर्विसेज मिल रही हैं, ये तो हो गया। लेकिन सपोज अगर आपको इसके बाद अपना फ़ोन बेचना हो तो फिर आप किसको बेचेंगे? तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि Xiaomi का रेट जो है इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा बेटर है, बेहतरीन है। और जैसा कि अगर आपने एक फ़ोन लिया है तो आप 1,000 रुपये नीचे करके, अगर सपोज आपने 7,000 का फ़ोन लिया है, आप एक महीने बाद 6,000 में बेचेंगे तो कोई ना कोई लेने वाला ज़रूर तैयार हो जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर आप लोगों को भी ऐसी चीज़ें आप लोगों ने कभी किया है या फिर आपने बेचा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने कभी भी अपना Xiaomi का फ़ोन बेचा है और आपको अच्छी वैल्यू मिली है उस फ़ोन की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आता हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन, और अगर शेयर करना है तो शेयर भी कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक रेंडर साइनिंग ऑफ।